talk about the functions and powers of Lok Sabha, then legislative powers may money bill jo hai that is originated only in Lok Sabha. That is very much clear to all of us. Second, on the non-money bills, both Rajya Sabha and Lok Sabha have the equal powers. Clear? Achha, if there is a deadlock, I have already explained also, if there is a deadlock, deadlock means ki koi confusion, koi kisi tarah ki problem, dono houses may emerge ho jaye. In that case, both houses sit for a joint session, okay, then meeting will help and here Lok Sabha enjoys a numerical advantage. Ye bill pass kiya jata hai, dono ki meeting bulai jati hai, meeting mein voting karwai jati hai, तो ऑटोमेटिकली लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होने की वजह से वो न्यूमेरिकल एडवांटेज जो है वो ले लेते हैं, तो बिल जो है वो उनके फेवर में चला जाता है. फाइनेंशियल पावर, ऑलरेडी वी नो दैट मनी विल कैन ओरिजिनेट ओनली लोकसभा. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेम एज बोथ हैव द सेम पावर्स, इक्वल पावर्स, सो बोथ कैन डू द अमेंडमेंट्स ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस एंड पावर्स. Our next topic is procedure for ordinary or non-money bills. Non-money bill. Non-money bills की अगर हम बात करें तो there are three readings, first reading, second reading, and third reading. In between there are other procedures also. फर्स्ट रीडिंग में क्या है बच्चे, फर्स्ट रीडिंग इज दैट वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द बिल, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मनी बिल. मनी बिल की बात नहीं कर सकते हैं हम, नॉन मनी बिल की बात कर रहे हैं. और नॉन मनी बिल जो है वो दोनों हाउसेज में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है. सो फर्स्ट रीडिंग एट दिस स्टेज द मूवर इंट्रोड्यूस द बिल स्टेटिंग इट्स मेन फीचर्स, इसके मेन फीचर्स को बताते हुए बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. सेकेंड रीडिंग में on a fixed date there is a general discussion on that, us ek date fix kar di jati hai aur us date par iske upar discussions jo hai wo kiye jaate hain. fir aati hai beta committee stage, committee bulai jati hai, wo examine karti hai bill ko thoroughly, clause by clause uske upar discussion ki jati hai, uske har point ko jo hai wo discuss kiya jata hai. fir aati hai report stage. ab ye jo committee hoti hai ye ek report banati hai, draft banati hai, theek hai. fir जो रिपोर्ट स्टेज है उसमें दोबारा से उन क्लॉज को रिकंसिडर किया जाता है, उस ड्राफ्ट को जो है वो दोबारा सारा चेकआउट किया जाता है. उसके बाद आती है थर्ड रीडिंग. थर्ड रीडिंग जो है इट इज एट दिस स्टेज अ रिस्ट्रिक्टेड डिबेट टेक प्लेस, फिर से डिबेट की जाती है एंड आफ्टर विच द बिल इज सेंड टू द अदर हाउस. तो सेम प्रोसीजर जो है जो अभी हमने फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, देन कमिटी स्टेज, देन रिपोर्ट स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, ये जो किया है यही सब कुछ नेक्स्ट हाउस में होता है, चाहे वो पहले लोकसभा हो चाहे वो पहले राज्यसभा. क्लियर? सेम प्रोसेस जो है वो फिर राज्यसभा में होगा अगर ये सारा प्रोसेस पहले लोकसभा में हो चुका है. देन आफ्टर दैट प्रोसीजर फॉर मनी बिल. प्रोसीजर फॉर मनी बिल में क्या है, उसमें सिर्फ एक चेंज है कि पहले जो बिल है रेड बिल भी इंट्रोड्यूस लोकसभा, बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद वो सारे जो स्टेजेस पार करके राज्यसभा में. तो यहाँ पर सच बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, सबसे पहली बात. सेकेंड थिंग इज आफ्टर इट पास टू लोकसभा ये मनी बिल जो है इट गोज टू राज्यसभा एंड राज्यसभा कैन टेक इट फॉर 14 डेज, और उसके बाद वो अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन सेंड कर देगी लोकसभा अगर उसको कोई कंफ्यूजन है, उसमें कोई प्रॉब्लम है. इवन इफ लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द हाउस. ये लोकसभा की मर्जी है, वो उसको उसकी कोई रिकमेंडेशन माननी है नहीं माननी है, उसके बाद वो बिल जो है वो पास दैट विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, और प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करेंगे. क्लियर? Now we are left with only one topic, that is function of the speaker. That will do